इस समय जाति पात भेदभाव छोड़ करके एक दूसरे का सहयोग करें। जिस तरीके से हम लोग भी हमारे संस्था के पदाधिकारी इस समय दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिंदगी में आप कितने खुश हैं ये महत्व नहीं रखता, लेकिन आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये जरूर महत्व रखता है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में पिछले 53 दिन से लॉकडाउन है। अस्पताल, मेडिकल और एक इंसान को जीवित रखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है बस वही खुले हैं। ना कोई किसी से मिल सकता है और ना ही कोई किसी की सहायता कर सकता है। लेकिन मुंबई से 35 किलोमीटर दूर नालासोपारा में एक शख्स है, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, जो कोरोना महामारी के संकट में गरीबों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक उनकी संस्था शक्ति जनहित मंच ने 7000 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महीने भर की राशन की व्यवस्था करवा दी है। उनकी टीम हर सुबह एक लिस्ट तैयार करती है और उस दिन कितने जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी है उतने लोगों का राशन लेकर वो निकल पड़ती है। राशन बांटने के बाद सुबह का नाश्ता, चाय और दोपहर का भोजन, फिर रात को फिर से भोजन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उनकी एक टीम भोजन बांटने का कार्य, एक टीम राशन प्रदान करने का, तीसरी टीम घर घर हर गली मोहल्ले में लेकर सैनिटाइजेशन का काम और चौथी टीम उन लोगों की सहायता कर रही है जो मुंबई से अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव ना वो नेता है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य, लेकिन उनकी यह निस्वार्थ सेवा ऐसे मुश्किल दौर में कई लोगों को जीवन प्रदान करने का कार्य कर रही। इस समय जाति पात भेदभाव छोड़ करके एक दूसरे का सहयोग करें। जिस तरीके से हम लोग भी हमारे संस्था के पदाधिकारी इस समय दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसी तरीके से मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी आगे हाथ बढ़ाएं व एक दूसरे का जो भी जितना सक्षम हो उस तरीके से लोगों का सहयोग करें, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी से तो हमें विश्वास है कि हम सब एक न एक दिन जरूर जीतेंगे, लेकिन इस भूखमरी से लोगों को बचाना हमारा आपका कर्तव्य है और हम सबको मिलकर के ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। हमारी शक्ति जनहित मंच संस्था अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर के लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। झोपड़पट्टी एरिया में जा जा करके लोगों को राशन वितरण, कुछ खाना बना के खिचड़ी बना, इसी तरह आप लोग भी अपने अपने एरिया में अपने अपने जहां पे आप रहते हैं जितना हो सके मैं आपसे एक बार अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें और इस समय कोई भी पॉलिटिक्स की या कोई भी पार्टी की बात नहीं होना चाहिए। जितने भी असहाय, गरीब, लाचार, विधवा, दिव्यांग परिवार है पहले उनको, उसके बाद हो सके तो जितना भी जितने से ज्यादा लोगों का उसके सपोर्ट करें। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उनकी निशुल्क एम्बुलेंस सेवा दिन रात अपना कार्य कर रही है। जिन लोगों को शक्ति जनहित मंच की तरफ से राशन दिया जा चुका था, अगर उनका राशन खत्म हो चुका है तो उसे भी ये दोबारा राशन मुहैया करवा रहे हैं। भैया, ये राणा प्रताप स्कूल है, यहाँ पे शक्ति जनहित मंच के कार्यकर्ता आके यहाँ पे पर डे खाना वितरण होता है और ये शक्ति जनहित मंच संस्था के बच्चे आके यहाँ पे सैनिटाइजिंग किए पूरे। मैं शक्ति जनहित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, गंगेश्वर श्रीवास्तव संजू भाई के सहकार्य से और उनके शक्ति जनहित मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से हमारे बिल्डिंग साई मित्र अपार्टमेंट में सैनिटाइज किया गया। मतलब इसे राशन बांटना, गरीबों में सैनिटाइजर जगह जगह घूम के करना, सारे बच्चे जो भी हैं सब जगह पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। भगवान इसी तरह इनको शक्ति प्रदान करे और इस महामारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करे। संजू बाबू यांच्या तर्फे सैनिटाइजेशन केलेला आहे, आम्ही त्यांचे फार फार आभारी आहोत। असं इस संस्था को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और बच्चे लोग जो दिन रात अपना हर काम घर का छोड़ के हम लोगों के लिए दौड़ रहे हैं और इनका सबसे बड़ा आभार हमारे यहाँ पे सैनिटाइज किया गया सारे बिल्डिंगों में, इनका कार्य सराहनीय है और हमारे बड़े भाई संजय श्रीवास्तव को हम बहुत बहुत धन्यवाद।
ईमानदार लोगों की जरूरत है जो लोगों के जीने का सहारा बन रहे हैं। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जैसे नेक दिल इंसान को हम दिल से सलाम करते हैं।